हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कला की परिभाषा, मतलब कला से जितने भी फैक्ट्स बनने वाले हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, जैसे कला, जैसे दीर्घाएँ हैं और महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं, और भी ऐसे ऐसे वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हैं जिनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और किस नाम से प्लेलिस्ट है? टीजीटी आर्ट थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जितने भी थ्योरी वाला पार्ट है बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और एक प्लेलिस्ट और आपको मिलेगी टीजीटी आर्ट की प्रैक्टिस सेट की, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम कला के फैक्ट्स देखेंगे। तो पहला है कला की परिभाषा के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहली परिभाषा आती है कला शब्द की अनुकृति है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है प्लेटो ने। क्या कहा है? कला शब्द की अनुकृति है। तो शब्द की अनुकृति किसने बताई है? प्लेटो ने। दूसरा आता है कला अनुकरण है। अगर अनुकरण की बात आती है तो क्या आता है? अरस्तु। अगर शब्द की अनुकृति की बात आती है तो क्या आता है? प्लेटो। तीसरा है महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। ये किसने कहा है? गेटे ने। क्या कहा है? कि सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना, सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी क्या बताया है? समस्या बताया है। तो ये किसका है? गेटे का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो आता है जो कुछ भी देव शिल्पों का प्रतिरूप या अनुकृति है वह शिल्प है। ये किसने कहा है? शतपथ ने कहा है। क्या कहा है? कि देव शिल्पों का प्रतिरूप या अनुकृति है। ये किसने कहा है? ये शतपथ ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो कला क्या बताया गया है? बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति। ये किसने कहा है? ये क्रोचे ने कहा है। बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो कोचे ने कहा है। फिर आता है कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। क्या बोला है? कि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? कला। तो ये किसने कहा है? ये हीगल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखते हैं अपने भावों की क्रिया, समझिएगा, अपने भावों की क्रिया रेखा रंग ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में भी वही भाव जागे। तो ये किसने कहा है? ये कहा है टॉलस्टॉय ने। किसने कहा है? टॉलस्टॉय ने। क्या कहा है? कि अपने भावों की क्रिया रेखा रंग ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में भी वही भाव जागे। तो किसने कहा है? ये टॉलस्टॉय ने कहा है। ठीक है, फिर आता है कला एक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति किसने कही है? तो ये रस्किन ने कही है। ठीक है, तो कला एक अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? रस्किन ने। नेक्स्ट है कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। कल्पना की अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो ये शैली ने कहा है। किसने कहा है? शैली। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? तो ये शैली ने कहा है। नेक्स्ट आता है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। क्या है? कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है फ्रायड ने। क्या कहा है? कि दमित वासनाओं का, कैसी वासनाओं का? दमित वासनाओं का। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वह कला है। तो देखिए कितनी अच्छी बात बोली है। जिस गुण, क्या बोला है? जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वह कला है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट आता है जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप हैं उसे कला कहते हैं। क्या कह रहा है? कि जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप हैं उसे क्या कला कहते हैं? और किसने कहा है? ये हर्बर्ट रीड ने कहा है। नेक्स्ट आता है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो क्या बोला गया है? मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो ये किसने कहा है? रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ से कला की परिभाषाएं थी। अब आता है रस और उनसे संबंधित भाव, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लेकर आई हूँ।
ठीक है, यहाँ रस दिए हैं, यहाँ भाव दिए हैं। तो श्रृंगार रस का भाव क्या होता है? रति होता है। हास्य का क्या होता है? तो हास होता है। तीसरा आता है करुण का, तो क्या होता है? शोक। ठीक है, उम्मीदें सभी को ये आते होंगे। ठीक है, तो चौथा आता है वीर का, क्या होता है? उत्साह। फिर आता है रौद्र का, क्रोध होता है। भयानक का क्या होता है? भय होता है। विभत्स का क्या होता है? घृणा होता है। और अद्भुत का क्या होता है? आश्चर्य, सभी जानते होंगे। और लास्ट का होता है शांत का, क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। अब आते हैं भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव क्या है? भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव रस और प्रतीक रंग तथा लक्षण। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो इसमें बोला है स्थायी भाव, फिर रस है, फिर प्रतीक रंग है, फिर इसका लक्षण है। तो देख लेते हैं। तो देखिए, जो रति है स्थायी भाव, इसका रस कैसा है? ये श्रृंगार रस है। और इसका रंग कैसा होता है? ये श्याम रंग का होता है। और इसका लक्षण क्या होता है? स्त्री पुरुष का प्रेम दिखाया गया है। ठीक है, फिर आता है हास। हास का क्या होता है? हास्य होता है रस इसका। और इसका प्रतीक कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और इसके लक्षण कैसे होते हैं? हास्यप्रद इसमें कार्य हुआ होता है। ठीक है, तो रति में क्या होता है? स्त्री पुरुष का प्रेम दिखाया जाता है। और हास्य में होता है कि किसी के ऊपर हंसी उड़ाई जाती है, जिसको हम हास्यप्रद कहते हैं। जरूरी नहीं कि हंसी ही उड़ाई जाए, या फिर कोई भी हास्य कार्य हो रहा है उसको हास्य रस में रखते हैं। ठीक है, फिर आता है शोक। शोक किस में होता है? करुण रस में होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है कपोत। और ये इसका लक्षण क्या दिखाई देता है? वियोग। जहाँ वियोग की बात होती है, दो लोगों को अलग होने की बात होती है, वहाँ पर क्या होता है? शोक होता है। फिर आता है उत्साह। उत्साह का क्या होता है? वीर रस का होता है। और इसका प्रतीक कैसा होता है? गौर होता है। और इसका जो कार्य होता है वो सत्कार्य का उत्साह होता है। ठीक है, फिर आता है पांचवा क्रोध। क्रोध किसका होता है? तो ये रौद्र रस का होता है। और इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है, मतलब रक्त कलर का। और इसका जो कार्य दिखाया गया है वो दुष्ट दलन होता है। समझ गए होंगे। फिर आता है जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा का किसका होता है? विभत्स रस का होता है। और इसका कलर कैसा होता है? नीला होता है, नील कलर का। और इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें घृणा दिखाई जाती है। ठीक है, फिर आता है भय। तो भय किसका होता है? भयानक रस का। और ये कलर किसका होता है? कृष्ण कलर का होता है। और इसमें क्या दर्शाया जाता है? तो अनिष्ट की आशंका दर्शाई जाती है। फिर लास्ट आता है विस्मय। विस्मय में क्या होता है? अद्भुत रस का होता है। और कलर कैसा होता है? इसका पीला होता है। और इसमें अलौकिकता का दृश्य दिखाया जाता है। तो समझ गए होंगे। फिर चलते हैं रस सिद्धांत और इनके व्याख्याकार। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और व्याख्याकार क्या है? रस सिद्धांत और व्याख्याकार देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है रस सिद्धांत और व्याख्याकार। तो पहला आता है आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। इनके जो व्याख्याकार हैं कौन है? तो भट्ट लोल्लट हैं। तो आरोपवाद या फिर उत्पत्तिवाद के जो व्याख्याकार हैं कौन है? भट्ट लोल्लट हैं। ठीक है, दूसरा आता है अनुमितिवाद के कौन है? तो ये हैं शंकुक। कौन है? शंकुक हैं। ठीक है, तीसरा आता है भुक्तिवाद। क्या है? भुक्तिवाद। तो क्या जाता है इसके? हैं भट्टनायक। कौन है? भट्टनायक। अनुमितिवाद के कौन है? शंकुक हैं। आरोपवाद के कौन है? भट्ट लोल्लट हैं। ठीक है, फिर लास्ट आता है अभिव्यक्तिवाद। क्या आता है? अभिव्यक्तिवाद। तो इसके कौन है? अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर आता है भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय एवं व्याख्याकार। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय और यहाँ पर व्याख्याकार हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं। तो ध्वनि सिद्धांत किसने दिया है? आनंदवर्धन ने। अलंकार सिद्धांत आचार्य भामे ने। और रीति सिद्धांत वामन ने। और चित्त सिद्धांत क्षेमेंद्र ने। तो इम्पॉर्टेंट है ध्वनि, आनंदवर्धन, अलंकार, भामे, रीति, वामन और चित्त, ये क्षेमेंद्र। ठीक है, तो याद हो गया होगा ध्वनि, आनंदवर्धन, अलंकार, आचार्य भामे, रीति, वामन और औचित्य क्षेमेंद्र। ठीक है,
तो यहाँ से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल टीचिंग लाइन के लिए बेस्ट है। फिर वो सुपर टेट की तैयारी हो, या फिर TGT की तैयारी हो, या फिर किसी भी लाइन KBS हो, DSSS भी हो, किसी भी की हो, तो ये चैनल उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।